कितने दिन बाकी हैं? आप पत्रकार के सवाल को बकवास कह रहे हैं। आप पत्रकार नहीं है। कौन कह रहा है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। आप कुछ भी कह सकते हैं क्या सर? आप मैं बोलूं? अगर आपको लाइसेंस मिला हुआ है क्या कुछ भी कहने का? सर अगर मैं अगर आप सुनने की हिम्मत कर पाए तो मैं बोलूं। एजेंट की तरह बात कर रहे हैं सर? मैं बोलूं? हम अक्सर बात अलग अलग मीडिया चैनलों की करते हैं। आज हम बात सुदर्शन न्यूज की करेंगे। इस वीडियो में हम सुदर्शन चैनल की कुछ ऐसी वीडियोस देखेंगे जिनमें लोगों द्वारा उन्हें ट्रोल किया जा रहा हो। सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चव्हांके ने एक्टर प्रकाश राज का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में प्रकाश राज ने सुरेश चव्हांके की पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर दिए। आप खुद ही देखिए कि वे क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान आपका बकवास सुन रहा है। आप वो बकवास से तो आप हिंदुस्तान को पता चलेगा ना किसका बकवास सुनने चाहते हैं लोग? कितने दिन बाद आप पत्रकार के सवाल को बकवास कह रहे हैं? आप पत्रकार नहीं है। कौन कह रहा है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। कैसे आप जो सवाल मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, 14 साल में कुछ एजेंडा है? हिंदुस्तान के एजेंडा तो भगत सिंह की पत्रकार था, उनका भी था एजेंडा। लोकमान्य के बारे में बात करें तो भगत सिंह के क्यों जाते हैं? आपके मोदी का जो व्याधि है ना, मैं आपसे उनसे पूछता हूँ सब। जीएसटी क्या है? नेहरू ने क्या किया? वो बीजेपी आज वो तो बीजेपी ऑफिस है। ये बीजेपी सेंट्रल ऑफिस है। आप थोड़ा आवाज देंगे तो अमित शाह को सुनाई देगा। आप उनको पूछिए ना, आप उनको सुनाए। आम आदमी का कोई प्रॉब्लम उनको सुनाई देगा? अभी क्या सुनाई देंगे? आपको सबको सवाल पूछने का अधिकार है। हम उस अधिकार को नहीं आप ये कह रहे हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं होते तो हम आपको इंटरव्यू में भी नहीं बुलाते। आप कुछ है इसलिए बुलाए, लेकिन हम पत्रकार भी नहीं है ये अगर आप कह रहे हैं तो। मैं कह रहा हूँ सुरेश चव्हांके कितने राष्ट्रवादी है ये हम सबको पता ही है। वे अक्सर हिंदू राष्ट्र की ही बात करते हैं। एक लाइव शो के दौरान उन्हें एक कॉल मुस्लिम कॉलर का आया, उसके बाद क्या बातचीत हुई आप खुद ही सुनिए। हेलो। हाँ हाँ सर, बात करनी है। बिल्कुल, आप मेरे से बात कर रहे हैं। मैं सुरेश चव्हांके, बोलिए। हाँ, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। हाँ वाह, बोलिए। अस्सलामुअलैकुम। बोलिए। अस्सलामुअलैकुम। इसका जवाब क्या देना है? दुर्भाग्य से मुझे पता नहीं, लेकिन वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मालिकुम सलाम कहिए, राम राम कहिए। जी वालेकुम सलाम कहिए। बिल्कुल, वालेकुम सलाम कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं 33 करोड़ भगवानों को मानता हूँ। सुदर्शन न्यूज की पत्रकार JNU छात्राओं से बातचीत करने पहुंची, तभी छात्राओं ने गोदी मीडिया के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर वे बौखला गई। उसके बाद जो हुआ आप वीडियो में खुद ही देख लीजिए। राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं तो क्या है? बताइए, आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे नहीं मिल सकते। सुदर्शन न्यूज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। प्रकाश राज के साथ इंटरव्यू में सुरेश चव्हांके ने कुछ सवाल खड़े किए, जिस पर प्रकाश राज ने RSS पर टिप्पणी करने शुरू की और सुरेश चव्हांके को बोलने का मौका नहीं दिया। देखिए यह मजेदार इंटरव्यू। अब मेरा कोई बीजेपी का इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें मैं क्या पूछता हूँ बीजेपी वालों को? जो कुछ भी मुझसे पूछ रहे हैं मुझे साफ नजर आ चुका। वो तो मेरी आइडियोलॉजी है। वो तो मेरी राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है, हिंदुवादी आइडियोलॉजी है। कब से शुरू हुआ आपकी देशभक्ति? बीजेपी और RSS का देशभक्त का डेट ऑफ बर्थ बताऊं? बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 15, 1947 है ना, जब स्वतंत्र हुआ ना, वहाँ से उनका डेट ऑफ बर्थ। इससे पहले देशभक्त नहीं थे वो RSS लोग। वो नो भीख मांग रहे थे तो ब्रिटिशों के साथ। इसीलिए वो लोग किडनैप कर रहे हैं। पटेल जी जो है ना, RSS को बैन किए थे। आपका देशभक्त का पता है हम सब लोगों को? एक भी घटना ऐसी तो संघ के बारे में हुई नहीं। बहुत हो चुका है, आप नहीं माने। पूरा से पूरा टॉप टू बॉटम है आप। हाँ, कोई दो रंग नहीं है, एक ही रंग है। हमारे भी एक ही बस, इसलिए तो आपसे बातचीत कर रहे हैं। चलते चलते कोई दो रंग नहीं है। सुदर्शन न्यूज के एक एंकर ने केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर नेता सोमनाथ भारती से फोन पर बात की, जिसमें नेता ने एंकर को भाजपा का एजेंट बताया।
इसके बाद दोनों के बीच बहस भी हुई। सोमनाथ जी, दिल्ली की जनता की इसे नाखुशी बताएंगे या क्या बड़ी वजह मानते हैं जो सीएम केजरीवाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा ऐसे फूट रहा है? इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, सचिवालय के अंदर हमला होता है और आप कह रहे हैं कि दिल्ली वालों गुस्सा है केजरीवाल साहब के खिलाफ? तो इतना बड़ा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। तो बताइए सर, फिर ये किसने किया? दिल्ली पुलिस की चूक, कानून व्यवस्था मोदी साहब के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है, सचिवालय के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री पे एक आदमी लाल मिर्च का पाउडर फेंकता है और आप इसको क्या बताना चाहते हैं? आप कुछ भी कह सकते हैं क्या सर? आप, मैं बोलूं, अगर आपको लाइसेंस मिला हुआ है क्या कुछ भी कहने का? सर, अगर आप सुनने की हिम्मत कर पाए तो मैं बोलूं। आप एजेंट की तरह बात कर रहे हैं? सर, मैं बोलूं, अगर आप सुनने की हिम्मत करते हैं, अगर आप सुनने की वाकई हिम्मत करते हैं सर, अगर आप वाकई सुनने की हिम्मत करते हैं, मैंने बहुत सहजता के साथ आपको मेरा सवाल कुछ ज्यादा चुप गया है। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया जरूरी मुद्दों पर सरकार पर सवाल करने शुरू करेगा। अगर वे ऐसा नहीं करेगा तो इसी तरह देश की जनता या विपक्षी नेता मीडिया को ऐसे ही ट्रोल करते रहेंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।